हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस सीढ़ी में हम देखेंगे आपके जो भी पार्टनर जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, उनकी इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड से चेंज ऑफ फोकस, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, सिंपली लव एंड द बॉटम में है लव अबाउंड्स। यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ एंड द 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बॉटम में है पेज ऑफ सोर्स। तो यस, डेफिनेटली इस वक्त आपके जो भी पार्टनर हैं इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो इनसे। हम देखते हैं आपके इस वक्त की फीलिंग्स क्या हैं। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। ट्रू मैसेज दे, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। एक्शन लेने के बारे में आप सोच रहे हो, आपका बहुत दिल कर रहा है इनके लिए खुद होके बात करने का, एक्शन लेने का। हो सकता है कि आपको कुछ इनकी तरफ से हिंट मिली है कि आपको जानबूझ के या तो इग्नोर कर रहे हैं या तो आपसे सच में मूव ऑन करना चाहते हैं, आपको छोड़ दिया है। ऐसी कुछ एनर्जीज आपको इनकी तरफ से फील हो रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जो गुस्सा इनको फील भी हो रहा है। इस तरह की एनर्जीज आपका बहुत दिल कर रहा है खुद होके एक्शन लेके उनको कुछ पूछने का। जैसे कि इंतज़ार तो आप बहुत दिनों से कर रहे हो इनके कॉल मैसेज का कि कब इनका एक्शन आएगा, कब ये बात करेगा, और जो कि इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है। इसी वजह से जो कि परेशान हो गया, आपको खुद होके एक्शन लेना है, चाहे जो हो जाए लेकिन रिश्ता तो मुझे इसी के साथ स्टार्ट करना है। मैं ना तो इसके बिना हैप्पी रह पाऊंगी, और अगर ये मेरे पास वापस नहीं आएगा तो ये कभी ज़िंदगी में उसके हैप्पी रह भी नहीं पाएगा। आप इस तरह से दिल से इसको बोलते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, आपको लगता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है, लेकिन ना ये आपको हमेशा गलत ही समझते हैं। जैसे कि आप सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आपको सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए, और जो कि ये जैसा चाह रहे वैसा आप नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब आप अच्छे पर्सन नहीं हो। इस तरह से आपके पार्टनर आपको इस वक्त सोच रहे हैं, क्योंकि इनको आपके हर एक बात में सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई देती है और सेल्फिशनेस दिखाई देती है। आपको भी यही फील होता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इस तरह के एनर्जीज हैं, जैसे कि दोनों एक दूसरे की नज़रों में ना सही साबित नहीं कर पा रहे हो, मैं इस तरह से बता सकती हूँ आपको। और देख लेते हैं, यस, आप अपने फीलिंग्स इनसे हाइड कर रहे हो। करंट में आप इनको ये बताना चाहते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और जो कि उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन ये बता बता के आप थक चुके हो। तो आप जो कि अब मेरे फीलिंग्स नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे इससे आंसर्स चाहिए कि इसने मेरे साथ जो भी किया है वो क्यों किया, फ़ायदा उठाया, धोखा दिया, चीट किया और जो किसी और के साथ चला गया, तो इसने ऐसा क्यों किया, इसने ये थर्ड पार्टी क्यों लाई, इसने मेरे साथ धोखा क्यों किया, इसने किसी और के साथ शादी क्यों करी, आखिर मेरी गलती क्या थी। आप इस तरह से सोच रहे हो, फीलिंग्स नहीं बताना है लेकिन बदला तो मुझे लेना है। जो भी है, यहाँ पर टावर का कार्ड है, इस तरह के मतलब कि आप इस तरह से सोच रहे हो कि या तो रिवेंज लेना है या तो प्यार को पाना है, इस तरह के एनर्जीज में आप हो। टावर का कार्ड है यहाँ पे, आप हैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं हो, और आपके पार्टनर ने जो आपके साथ धोखाधड़ी करी है ना, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा करंट में परेशान हो। और जो भी झगड़ा करूँगी कोई बात नहीं, लेकिन झगड़ा करने के बाद फिर से आपको नेगेटिविटी को ही फेस करना पड़ेगा, कि अगर आप इनसे ज़रा सा रूड होके या फिर एटीट्यूड दिखा के बात करोगे ना, तो ये आपको भाव भी नहीं देंगे, देखेंगे नहीं आपकी तरफ, इस तरह से इनका बिहेवियर है, ये आपको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी आप जो कि रिस्क लेने के लिए अब रेडी मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ उनसे कम्युनिकेशन चाहिए, उनसे क्लैरिटी चाहिए कि आखिर उनको आपके इस रिश्ते का करना क्या है। स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से, आप बहुत ज़्यादा उनको स्टॉक करते हो, और शायद आप थर्ड पार्टी के साथ उनको बहुत ज़्यादा खुश देख पा रहे हो, इसी वजह से आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो, और शायद इसी वजह से आपको जेलसी हो रही है, और जो कि एक्शन लेके उनसे सच्चाई जानना चाहते हो कि आखिर वो आपका करना क्या चाहते हैं।
या इस तरह की फीलिंग्स है आपकी इस वक्त की, ठीक है। अगर आप ये सब कुछ फील कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करें। आपके पार्टनर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि जैमिन लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और जो कि एरिज लो चतुर्थ में सिंह धनु राशि के हो सकते हैं। नंबर है यहाँ पे 5161638814888111 आपको इंजन नंबर दिख रहा होगा। और इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूँ तो चेंज योर फोकस का कार्ड है यहाँ पे। इन्होंने जैसे कि शायद अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को मान लिया है कि यस जो है अभी जो कि आपके पास आने के लिए इनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान को प्रे कर करके थक चुके हैं कि इस थर्ड पार्टी से मुझे जो कि डिस्टेंस दिला दो, मैं नहीं रह सकता इसके पास, और जो कि मुझे मेरे प्यार से मिला दो, इस तरह के एनर्जीज है। लेकिन जो कि शायद इनको लगता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा कि वो आपके पास आए, इनको समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये अपना फोकस हटा रहे हैं और जो कि थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना भी थर्ड पार्टी के साथ मैनेज करने की कोशिश करे लेकिन जो कि हो नहीं पा रहा है, फिर भी जो कि नहीं यही मेरी ज़िंदगी है और भगवान को शायद यही मंजूर है तो मैनेज करना है और वहीं पर जीना है। आपके लिए एक्शन लेके कुछ फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि आप इनसे कुछ चाहते हो। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर से शादी करना चाहते, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, तो आप जो कि चाहते हो कि भले तू तेरे हस्बैंड या वाइफ के साथ रहे लेकिन तू मुझे भी टाइम दे, मेरे साथ भी जस्टिस कर, कि तूने मुझे तेरी आदत लगा दी और जानबूझ के अब मुझे इग्नोर कर रहा है, तू ऐसा मत कर मेरे साथ, मैं तुझसे कहाँ कुछ मांग रही हूँ, मैं कहाँ तुझे बोल रही हूँ तू मुझसे शादी कर, लेकिन कम से कम मेरे साथ जस्टिस कर। इस तरह से तू बिहेवियर करेगा तो मैं पागल हो जाती हूँ, मेरी परेशानी बढ़ जाती है और जो कि मैं रात रात भर सो नहीं पाती। आपका इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर मैरिड हैं और आप अनमैरिड और आप इनसे शादी करना चाहते हो। आपके पार्टनर का ऐसे है कि थर्ड पार्टी के साथ मैनेज करने की कोशिश चल रही है लेकिन जो कि कर नहीं पा रहे हैं और जो कि फोकस कर रहे हैं, नहीं नहीं करना है करना है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, इनको इस बात के ऊपर कंप्लीट भरोसा है कि अगर ये आपके पास आते हैं, प्यार से हाथ आगे करते हैं, तो जो कि आप इनके रिश्ते में डेफिनेटली जाओगे। लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है इनके पास, क्योंकि आपके पास आना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसी बात है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसके आप आंसर ले बिना तो रुकने वाले हो नहीं। बहुत पूछोगे कि तूने तो मुझसे बहुत प्यार किया था तो ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ, इस तरह से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। आपके ढेर सारे सवाल हैं जो इनके माइंड में घूमते रहते हैं और जो सोच के और जो कि मैं आंसर में जो बोलूँगा उसके बाद आप क्या बोलोगे, ये इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, यही बातें ये सपनों में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कर करके पागल हो जाते हैं और फिर जो कि नहीं यार मुझे नहीं बात करनी चाहिए, कौन ये सब करेगा, उसके बाद आपका रिएक्शन वो फेस वो इमेजिन करते हैं और फिर डर जाते हैं, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे है। सिंपली लव इनको है कि अब जो अगर ये आपके साथ प्यार वाला कनेक्शन नहीं बना पाए क्योंकि थर्ड पार्टी इजीली रिमूव होने वाली नहीं है, ये खुद परेशान है थर्ड पार्टी से लेकिन वो इजीली रिमूव होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, तो अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट वो आपके दोस्त बन सकते हैं ऐसा इनको लगता है। लेकिन आप इनके साथ दोस्ती करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आप क्यों करोगे दोस्ती, आपने इनसे प्यार किया है, आपको इनका फिजिकली एडिक्शन है, आपको इनसे सेक्स करने का दिल करता है, तो फिर आप इनसे दोस्ती कैसे करोगे, तो इनको ये अच्छे से पता है। तो शायद आज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ेगा, पहले ही आपसे मूव ऑन करके जा चुके हैं लेकिन करंट में रास्ता नहीं होने की वजह से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं कि जो है जैसी थी ज़िंदगी शायद यही थी, भगवान को शायद यही मंजूर था, ये इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं। करंट पे इनकी इस वक्त की फीलिंग्स यही है, वेल डिजर्व रिवॉर्ड, आपको इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली वही मिलेगा जो आप खुद चाहते हो, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं क्योंकि ओवर थिंकिंग चल रही है थर्ड पार्टी को लेके, थर्ड पार्टी पे फोकस है, उसको कैसे निकालूं इसके ऊपर फोकस है, तो ओवर थिंकिंग थर्ड पार्टी के होने की वजह से इनका फोकस आपके ऊपर करंट में नहीं है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है इनका, इसलिए आपके बारे में सोच नहीं पा रहे। लेकिन यस रिबिल्ड का कार्ड है यहाँ पे, डेफिनेटली आपके साथ रिश्ते को रिबिल्ड करना चाहेंगे, दिल से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहेंगे। ये करंट फीलिंग से करंट में भले ही सोचे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, मुझे इस रिश्ते से जाना ही पड़ेगा, लेकिन करंट फीलिंग्स होती है जो कि हमेशा चेंज होती रहती है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।